हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमी और शोमीज किचन में आपका स्वागत है। सुबह का ब्रेकफास्ट में हो या फिर शाम की चाय के साथ अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए तो बहुत ही सबको मज़ा आ जाएगा। तो आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ये सिंपल रेसिपी है और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ इसे मैं बना रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए ताज़े हरे मटर ली हूँ, आलू ली हूँ, गोभी ली हूँ, हरी मिर्च, गाजर और प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। यहाँ पे मैं आधी कटोरी पोहा ले रही हूँ, तो इसे अच्छे से धो लेना है 1 से 2 पानी से अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे धो ले रही हूँ। तो इसे मैं अच्छे से धो दी हूँ और इसे थोड़ी देर इसी तरह भिगो के रख देना है 5 मिनट तक। यहाँ एक कढ़ाई पे मैं सरसों का तेल ली हूँ, आप चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, तो सबसे यहाँ पहले यहाँ पे मैं मूंगफली को भून ले रही हूँ। तो इसे बस लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक भून लेना है। तो मूंगफली भून गई है, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक कटोरी में। तो उसी तेल में अब मैं यहाँ पे फ़ोरन में जीरा ऐड की हूँ। यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, तो ये सूखी वाली कड़ी पत्ता है मेरे पास, तो वो मैं डाल रही हूँ। आपके पास ताज़ी है कड़ी पत्ता हो तो आप वो डालिएगा। अब मैं इसमें प्याज और बाकी जो सब्जियाँ कटी हुई थी उसे मैं डाल दे रही हूँ, साथ में हरी मिर्च भी मैं डाल दे रही हूँ। और इन सारी सब्जियों को एक साथ ही इसे भून लेना है। और ये मटर भी मैं डाल दे रही हूँ। तो गैस का फ्लेम स्लो रख के इसे भून लेना है अच्छे से, ताकि सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाली हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। अब इसे 5 मिनट तक ढक के पकाऊँगी, 5 मिनट बाद में दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं सब्जियाँ को अब अच्छे से मैं फिर से मिक्स कर लूँगी। और देख सकते हैं यहाँ चेक भी कर ले रही हूँ, तो सब्जियाँ अच्छे से पक गए हैं। ये बहुत ही आसानी से ये कट जा रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं जो पोहा भिगो के रखी थी वो मैं डाल दी हूँ इसमें, साथ ही भुने हुए बादाम डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें छोटी 1 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, तो इसे टेस्ट अच्छा आता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको इस समय ज़रूरत लगे तो आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं नमक यहाँ पे। और नमक अगर कम लगे तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे मैं मिला ली हूँ, तो इसे बस लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है। तो पोहे अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हैं बहुत ही ये खिले खिले पोहे एकदम रेडी हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म वेज पोहा बनकर रेडी है, बहुत सारे सब्जियों के साथ इसे मैं बनाई हूँ। अगर आपको और भी इसमें आप जो भी आपको मन करे आप इसमें सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो आपको मेरी ये सिंपल सी पोहा की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।